मैं वैसे ही दिखाती हूँ, पता है ना सबको। यस स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? यस ओके, तो अल्फाज माने आपको लिख रहे हैं, ये मैंने आपको समझाया। आप जो मन चाहे पता जवाब लिखियो। मना गु क्वेश्चन अमुक कस कूर बने ये हिंदुस्तान कम वर्स हिंस गडनिच पायलट पढ़ाया है मैंने आपको। आप रखिए सारे माइक सॉफ्ट, रखिए सारे माइक बचे माइक सॉफ्ट, कोई नहीं ओपन करेगा माइक जब तक मैं नहीं बोलूंगी। डोंट क्रिएट अ मैस। गुनियो क्वेश्चन जो वनान को स्कोर बने ये हिंदुस्तानिच कम वंसी हिंस गुडनिच पायलट अमिक जवाब जो आराम सान बुझो तो ये अगर एक क्वेश्चन आ सो है क्लास टर्म में मिले को स्कोर बने ये हिंदुस्तानिच कम वंसी हिंस गुडनिच पायलट आयशा इज अत में और लिखो आयशा बने ये को स्कोर छ लिखो तब पर लिखो आयशा आयशा अजीज बने ये हिंदुस्तानिच। आपने इससे पहले भी पढ़ा है अगर आपको याद होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है आयशा अजीज जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आपको लिखना है आयशा अजीज बने ये हिंदुस्तानिच कम वर्सी हिंस गुडनिच पायलट। ओके, ये था पहला क्वेश्चन, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ को स्कोर बने ये हिंदुस्तानिच कम वर्सी हिंस गुडनिच पायलट आयशा अजीज बने ये हिंदुस्तानिच कम वर्सी हिंस गुडनिच पायलट। ये है क्वेश्चन नंबर वन। सबको समझ आया? ओके, रखिए रखिए माइक सॉफ। अब दैम सवाल छो तनवीर रैना छ कमर्शियल पायलट अमि ब्रो कत कत कामि मंज हो तम कमाल मना तनवीर रैना यो छ सो छ उसमें कमर्शियल पायलट ये पढ़ाया है मैंने आपको मना लेकिन यो कमर्शियल ये ली कमर्शियल पायलट बने तम ब्रो कत कत कामि मंज हो एम कमाल ये आप छ बुक मंज जवाब ताकि तई गसु न कम प्रॉब्लम गसे लेखनस मंज क्योंकि जब मैं लिखती हूं बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आया है। आज जवाब तनवी रैना हो ह्यूच गड कथक रखस पत हो वन बास्केट बॉल गिंदनस मंज कमाल ये लिखियो तुम दिस अत निशान त्रवि क्वेश्चन नंबर टू अस लिखियो तुम ये पर योर तम जवाब समझ आवा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर वन बोल। नो मैम। ये व्हाट्सएप पे नहीं दिखाते हैं ना, जैसे हम स्कूल में दिखाती हूँ ना मैं वैसे ही आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। व्हाट्सएप पे किसी को मैं सेंड करूंगी ऐसे। फिर कब सीखोगे आप? मैम क्वेश्चन नंबर वन मुझे दिखाइए। मैं दिखाऊंगी को स्कोर बने ये हिंदुस्तान कम वर्सी हिंस गुडनिच पायलट अमुक जवाब छो आयशा अजीज बने ये हिंदुस्तान कम वर्सी हिंस गुडनिच पायलट दैम क्वेश्चन छो तनवीर रैना छ कमर्शियल पायलट अमे ब्रो कत कत कामि मंज हो तम कमाल अमुक जवाब छ पेज नंबर अखत त्रह पे कन तनवीर रैना हो हूच गड कथक रखस पत हूं बास्केट बॉल गिंदनस मंज कमाल समझ आया? यस मैम। क्वेश्चन नंबर टू भी होगा। यस मैम। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। यास्मीना 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 यूसुफ कैसी छ रोजान यास्मीना यूसुफ छ अच लेखन ये दी जवाब यास्मीन छ पेज नंबर छ अखत पांच बुक बुक भी अच्छे से लिखा है आप उतार अच्छे से सकते हो मना यास्मीना इस क्वेश्चन नंबर थ्री छु वना यास्मीना यूसुफ कत रोजान यास्मीना यूसुफ छ हफ चिनार मागम रोजान यास्मीना यूसुफ यहाँ लिख जाइए यास्मीना यूसुफ छ हफ चिनार मागम रोजान सवाल आवा समझ? क्वेश्चन नंबर थ्री एक बार फिर से बोलिए। वनान यास्मीना यूसुफ रोजान यास्मीना यूसुफ ये चौद लेखन क्वेश्चन मज तेज लिखित यास्मीना यूसुफ छ कत चटन छ रोजान यहाँ पर है हब चिनार मागम समझ यवान? मैम। यस मैम। अत लेखन आंसर यास्मीना यूसुफ छ हब चिनार मागम रोजान पेज नंबर अखत पांच निश समझ आवा क्वेश्चन नंबर त्रे?
यस मैम यस मैम मैं फिर लास्ट में रिपीट करूंगी, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ. सवाल नंबर चौर, आफरीन हैदर कमि खेली हिंदिस मुकाबलस मज गई सोन सन मेडल जीनस मन कामयाब. माना यस आफरीन हैदर मज तम कत गिंदस मज कत गिंदन मुकाबलस मज गई जिसमें उसने क्या जीता सन सुन मेडल. समझ है यवान गिंदन? यस मैम. बोलिए मुझे किसने उसमें जीता? मैम टैक्वांडो. टाइकोंडो मुकाबलस मज. यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उसको उर्दू में ही, इसको कश्मीरी में ही लिखना है, इंग्लिश में कुछ नहीं लिखना है इसको, इसमें लिखना है टाइकोंडो मुकाबलस मज. ठीक छा? इतना ही. हाँ, या आप क्वेश्चन में भी लिख सकते हो ऐसे, आफरीन हैदर कमि खेल हिंदिस मुकाबलस मज गई सोन सुन मेडल जीनत मज कामयाब. आफरीन हैदर आफरीन हैदर गई, आपको फिर लिखना है ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, टाइकोंडो मुकाबलस मज गई सोन सुन मेडल जीनस मज कामयाब. समझ आ रही है बात? यस मैम. यस मैम. क्वेश्चन समझ आया फोर्थ? यस मैम. ओके, पांचवा सवाल चार, तजमुल इस्लामन कम कारनाम करित निचनो रियासतुक तो मुल्कुक नाव. आज लेखन शॉर्टस मज वन तजमुल इस्लाम तम कम कारनाम करित निचनो, निचनो मतलब सो गो रथ खोलन या मशहूर करुन रियासतुक तो मुल्क नाव. मार्शल आर्ट तो किक बॉक्सिंग, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है मार्शल आर्ट तो किक बॉक्सिंग. मैम इतना ही, इसको भी लिखना है? हाँ, इसको इतना ही लिखना है. इन शॉर्ट समझ आया? मैं पहले से क्वेश्चन आंसर्स दिखाऊं? मैम क्वेश्चन नंबर फोर बोलिए. मैम क्वेश्चन नंबर टू से मुझे दिखाइए. मुझे मैं रिपीट कर देती हूँ, आप अपने माइक्स ऑफ कीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी प्लीज. सवाल नंबर अख तमिक जवाब छु गनिक सवाल पर ब जवाब अन ब क्या छ कोस कूर बनेय हिंदुस्तानिच कम वंसी हिज गडनिच पायलट. अमिक जवाब लिख जब तु आयशा अजीज बनेय हिंदुस्तानिच कम वंसी हिज गडनिच पायलट. ये गो सवाल नंबर अख. सवाल नंबर जु छ अम पत तनवीर हना छ कमर्शियल पायलट. अमि ब्रो कत कत कामि मंज हो तम कमाल. माना यस तनवीर रैना छ सो छ अस कमर्शियल पायलट. टाइम ब्रोट कत कत कामि मंज हो तम कमाल. अत छ पेज नंबर 73 हस. ये क्या तनवीर रैनान हो होन तनवीर रैनान हुच गड कथक रसक पत होन बास्केटबॉल गिंदस मंज कमाल. था ये था दूसरा क्वेश्चन. अमिक त्रेम क्वेश्चन छ यास्मीना यूसुफ का जय रोजान. यास्मीना अमिक जवाब छो वना सुछ ये क्या ये तथो में आद लेखित पेज नंबर 75 निश. यास्मीना यूसुफ छ हब चिनार मागमु रोजान. ओके, ये ओस त्रेम क्वेश्चन. चोरिम क्वेश्चन छो अम पत आफरीन हैदर कमि खेल हिंदिस मुकाबलस मज गई सोन सन मेडल जीनस मज कामयाब. अत लिख जाओ तुम जवाब आफरीन हैदर गई टाइकोंडो मुकाबलस मज गई सोन सन मेडल जीनस मज कामयाब. आया क्वेश्चन नंबर फोर समझ? यस मैम. ओके, वन अमिक आखिरी सवाल तजमुल इस्लामन कम कारनाम करित निचनो रियासतुक तो मुल्कुक नाव. अत छ लेखन मार्शल आर्ट तो किक बॉक्सिंग. क्लियर? यस मैम. किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम. चलो इथे कहीं दिखाए से हमी का बुक वर्क अच्छा थोड़ा बुक वर्क ती ते हाओ मैम. तीसरे में क्या है एक तीसरे क्वेश्चन में? तीसरे क्वेश्चन में क्या है? यास्मीना यूसुफ का जाय छ रोजान. यास्मीना यूसुफ क्या महफ्तनार मागम रोजान. मैम होना वो नोट बुक एस्पेक्ट ले क्यों मैम. वो तीसरा क्वेश्चन. कौन सा तीसरा क्वेश्चन?
मैम मुझे क्वेश्चन नंबर मैम जो 107 पेज पे है ये आपको ऐसे ही पढ़ना है, ये नोटबुक पर लिखनी जरूरत की है ना, क्योंकि इतना आपको आपको जो ये है ये आप लिख सकते हो या तो आप इससे अच्छे से रीड कर सकते हो, ठीक है? मैं रफ पे लिखूं ये? अच्छा चलिए, अब जो है यहाँ पर जो है खली जाए भरे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए क्या है। ऐसा आयशा अजीज छटैश जामुज, आयशा अजीज कहते हो जामुज श्रीनगर मंज खजबाग वरमुली किन पे मिली? मुंबई मैम, मुंबई सॉरी। कहां पर वो पैदा हुई है? शाबाश जमुल इस्लाम इस्लाम आयशा अजीज छटैजाम श्रीनगर खजबाग वारमुली किन मुंबई? मुंबई शाबाश तजमुल इस्लाम छटैजाम अन्ननाग तारकपुर बंडपोरी किन श्रीनगर? तारकपुर बंडपुर शाबाश, इसको आपको टिक करना है, तारकपुर फिर यहाँ पर आपको लिख सकना है, लिखना है। तनवीर रहना छटैश फुटबॉल बास्केटबॉल चैंपियन क्रिकेट चैंपियन बास्केटबॉल चैंपियन सलादी ते रिचा रहना तनवाई छटैश पायलट क्रिकेट चैंपियन पढ़ा है ना आप सबने। यास्मीना यूसुफ छटैश किक बॉक्सिंग खिलाड़ी ऐसे आपको लिखना है। गोनिकी छु मुंबई दैमी छु तारकपुर बंडपुर त्रेमी छु बास्केट बॉल चैंपियन टूर्मिस डैशेस मन छु लेखुन कमर्शियल पायलट तो पूछिस मन छु लेखुन किक बॉक्सिंग खिलाड़ी। समझ है यवान? यस मैम। चलो अब इसके बाद जो है एम्पचुम पूछिम जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको लिखना है। बालें गसित क्या छु तुम बनुन यसान तो क्या जी पांच जुमले में लिखियो जवाब। कह रहे हैं जब आप बड़े हो जाओगे तु क्या यसान छु बनुन, ये तु यसान छु बनुन तथ पे छु लेखन पांच जुमले डॉक्टर टीचर पायलट इंजीनियर खिलाड़। अब टिपांचों पे नहीं लिखना है, जो 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 बनना चाहता है वो उस पे लिखेगा फाइव सेंटेंसेस। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ जी। मैं खिलाड़ लिखूंगा। जो 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 बनना चाहता है इंजीनियर लिख सकती हूँ। हाँ लेकिन उस पे आपको फाइव सेंटेंसेस बनाने हैं, पांच जुमले से तात्पर्य लिखने। ओके मैम। शोहदी रखिए अपनी माइक सो। अब क्वेश्चन ये जो है ना ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं कल आपको चेक करूंगी सब बच्चों को। ओके मैम। ओके मैम। मैम से किस क्वेश्चन को क्या करना है? मैं बोलूंगी ना मिसाल विचित बनाइए सवालन सवाल जवाब जुमले, ये देखिए लिखित मिसाल पांचवी जमात मंज यह जवाब अत सवाल बनोमुत अम तुख पांचवी जमात गो इन ये दुतमुत अत बना सवाल क्या बना इतु क्रिकेट गिंदान अत क्या सवाल ये तुख क्रिकेट गिंदान है कि नहीं? यस मैम। यस मैम।
सवाल बनो अच्छे लेखो ये छुक अच्छे लेखो छुखा अलिफ लगाना है इसको खाली यहाँ पर बात समझ आ रही है। तम दम ये तेज दौरान सू तेज दौरान आखे ये सवाल कौन मुझे बोलेगा इसको क्या क्वेश्चन आएगा सुछा तेज दौरान शाबाश अच्छ बनाउन सुछा तेज दौरान त्रम तम यूर पकान तम यूर पकान तम यूर पकान अख क्या सवाल अगर वनो तम यूर पकान तम यूर पकान शाबाश चूरम सो पलव छलान पलव छलान मैम मैम जी मैम ये कॉपी पे लिखना है हमें कॉपी पे लिखना है नहीं नहीं आपको बुक पे ही करना है। ओके मैम मैम मुझे फिर पहला दिखाइए मैम होमवर्क है ऊपर वाला होमवर्क है ऊपर वाला इसमें क्या करना है फिर किस क्वेश्चन में मैं बोल रही हूँ ना इनको क्वेश्चंस बनाने आपको क्यों नहीं समझ आता एक बार आप क्यों एक बार नहीं समझते हैं हाँ आप क्यों मैथ क्रिएट करते हो हमेशा माशाल्लाह आप तो बड़े हो गए हो आप चलिए इथे कन दीजिए ये ते तुई छव बोत बद बोजान अत के ये सवाल तुई छव बोत बद बोजान तुई छव बद बोजान कोरी छ गिंदान कोरी छ यस स्टूडेंट्स आवाज आ रही है यस स्टूडेंट्स आप सबको मेरी आवाज आ रही है मैम आपकी आवाज हमें मुझे आ रही है बहुत क्योंकि मुझे नहीं पता है एम आई ऑडिबल मैम मुझे भी आ रही है तो इतने जीवन सवाल बना हुए अब आएगा आपको ये सबको यस मैम यस मैम अब इसके बाद जो है जो वो है یمن لفظن لکھو متضاد متضاد گو الفاظ تو ضد یعنی ورڈ اپوزٹ جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں گڈ ورڈ خوش تک کیا یہ میم غمگین یا اداس یا یس غم یہ گڈ سوری چھ نا خوش خوش اس کیا یہ غم नहीं ये मत है खुशी खुश उदास या ये गमगीन फिर क्या है उसके बाद ये पहला लिखा सबने यस मैम दूसरे को टू व्हाट मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है
मैम आपने अटेंडेंस की? नहीं मैम ने अभी अटेंडेंस नहीं की। मैम आप क्या हंसी आ रही है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकेंड, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। चलिए तो क्या मैं आपको पढ़ा रही थी यहाँ पे? दो मिनट आप मुझे दीजिए। सेवन इज मैम हमें क्या करना है आप बोल के? मैम हमें क्या करना है? तब तक मैं मैम का काम उतारती हूँ। Thank you.
मैम हमें क्या करना है? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैम ही चली गई, होस्ट अब वाकाउ से। अब हमें क्या करना है? मैम ही चली गई, मैम लीव किया, हम खाली स्टूडेंट्स हम भी लीव करेंगे। नहीं आप लोग लीव मत करो, मैम अभी आएगी वापस। बचपन 3 साल हो गया कैठे, कोई कठे काम कर रहा था, सालवेज में सालवेज से डायरेक्ट आया, कोई क्यों चीज पड़ेगा जरूरत मेरे को पता। तो ठीक है अपना करो, बंद क्लास डिस्टर्ब हो रही है। कौन लाना है, किधर लाना है, कुछ भी लाना है मेरे को पता। मैं वहाँ अब लीव करे। अच्छा किया, अच्छा आपने फोन किया। मैं इससे मोहब्बत होते हैं, दूरी नहीं होते हैं, इसे मोहब्बत होते हैं। मैंने गजल मैम को मैसेज किया, मोहब्बत में क्या बोलेगी? रुको हम लिए करें, हम लिए करें, निकालो दिमाग, हम लिए। मैंने की मैम को मैसेज, मैं देखूंगी अब मैम क्या बोलेगी। मैंने गजल मैम को मैसेज की, मैम आई है क्लास में। आपकी मेरी आवाज आ रही है? मैम आप ही नहीं थी क्लास में। मुझे वाईफाई एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था, सो दैट्स व्हाई कि मुझे पता नहीं, इस फोन को भी पता नहीं क्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके तो हम क्या पढ़ रहे थे? यमन लफ्जन लिखियो मुतअज्जिद, गन्युक छु खुश, तत क्या वन में उदास, उदास टाइम पर छु टूट, कौन चीज छु ना खुश करा टूट, तत के ये इससे पहले भी मैंने आपको ये पढ़ाया था। त लिख जब तुई खरवन। मैम और बताइए मुझको, उदास, खरगुन, उदुर, उदरस लिख दे होती खुश, लकुट, अब रहेगा अखरोट का निगरानी करेगा, लकुट, इनको थोड़ा समझा वो क्या कर रहे हैं, क्या अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इनको थोड़ा बीवी को बोलो ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा समझाओ। अपने माइक साफ रखिए आप प्लीज, अपने माइक जो है ना प्लीज सारे बच्चे ऑफ कीजिए। एंड बच्चों लास्ट छूट तक के ये मैम झूठ झूठ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, खुश, उदास, या है क्यों तारीख था गमगीन,
टूट खरवुन उदुर खुशक लॉकुट बोर्ड छोट जूट। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस मैम। यहाँ पर मैंने लिखा है देखिए, खुश उदास टूट खरवुन उदुर खुशक लॉकुट बोर्ड जूट छोट। क्लियर? यस मैम। खुश को क्या है ये? उदास। यह कुछ देखिए जिथे हिश, जैसे कि आपको ऑलरेडी है इसमें खुश जिथे हिश, यह कुछ देखिए जिथे गंदी जिथाई। मैम ये क्या है? टू वाट क्या था? टू वाट आप लिख दो खरवुन उदुर खुशक लॉकुट बोट छोट जूट या जूट के या थोड़ छोट थोड़ आएगा ना। स्टूडेंट समझ आ रही है बात? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम।